अनुराग ठाकुर का इस तरीके से राहुल गांधी को तंज मारना किस नजर से देखते हैं? बहुत सही नजर से देखता हूं मैं। सही नजर? बिल्कुल बालक बुद्धि इग्नोर कर देगा। अच्छा। मैं बालक बुद्धि यही कह रहे हैं क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवाएंगे। पहले अपने जाति बताओ, अपनी जाति बताओ ना, उसके बाद जनगणना। तो बताते हैं हम ब्राह्मण होगी, वो तो कहते हैं हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं। उनके दादा तो खान हैं। अच्छा। माता पारसी हैं। हाँ। फिर कहाँ से ब्राह्मण हुए? कश्मीरी वो भी भगाए होंगे फिर तो। राहुल गांधी भी बहुत परेशान है। क्यों परेशान? उनकी शादी करवा दो। अच्छा। उनको शादी के लिए परेशान है इसलिए वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ठीक है। राहुल गांधी पता क्या है? राहुल गांधी एक काम करते हैं, हमेशा बोलते हैं भैया ये RSS को खत्म कर दो, बजरंग दल को खत्म कर दो। राहुल गांधी के मुंह से कई बार हमने सुना है कि बजरंग दल को खत्म करो, RSS को खत्म करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है आतंकवाद है। RSS वालों को आतंकवाद कहते हैं। इनसे पूछो कभी तुमने रोहिंग्या के बारे में बोला? जो वहाँ पे बंगाल में घुसे पड़े हैं, सारे घुसपैठिए घुसे पड़े हैं, उनको खत्म करने की बात कभी बोली है राहुल गांधी ने? कब बोलेंगे इस बात इसके बारे में? मणिपुर तो बार बार जा रहे हो, बंगाल कब जाओगे? आप इस तरीके से विपक्ष के इतने बड़े नेता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरा आपके नेता अनुराग ठाकुर उनसे उनकी जाति पूछते हैं, उनको तंज कसते हैं, ये बात सही है? गलत क्या है इसमें? अगर कोई मेरी जाति पूछेगा तो मैं तो बताऊंगा भाई सनातनी दीपक शर्मा। अभी आप कह रहे थे कि जाति जनगणना नहीं होने देंगे, आप कह रहे हैं नहीं होने देंगे, लेकिन ये पूछना सही नहीं है। जातियों में फिर लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, जाति का जो है 2-4 20 डाल दिया, आज तक लड़ाई हो रही है। अच्छा, जब तंज राहुल गांधी को कसा जाता है तो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र अखिलेश यादव को बुरा लग जाता है, वो खड़े होकर पूछते हैं कि आप ऐसी जाति नहीं पूछ सकते किसी की भी। अच्छा, अखिलेश यादव वही है क्या? वो मुलायम सिंह के सुपुत्र है क्या? वही है जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे, डिचकियां। अरे उनकी बात मत किया करो, मुख्यमंत्री देखने का सपना बहुत समय से कर रखे हैं, लेकिन भैया तुम कभी नहीं बन पाओगे, शराब है ये पूरे UP वालों का। ठीक है ना, ये वही है ना, उनके सपोर्ट करते हैं पता किसके, जो चारा कटाला करता है। और राहुल गांधी कौन है? आज तक कभी विकास के बारे में बात किया? नहीं किया होगा। RSS खत्म करना है, बजरंग दल खत्म करना है, इसके अलावा कोई काम, कोई और बातचीत? उनके ही अध्यक्ष जो कर्नाटक में है, उनकी बेटी साथ में से इतना गलत हुआ, संविधान के बारे में पूछना एक बार, बिट्टू बजरंग और जो है जो मोनू मानेश्वर थे वो कौन थे? मोनू मानेश्वर कौन थे? उन्होंने हरियाणा में, सुन लीजिए, हरियाणा में दंगा जो हुआ था वो किसकी ओर से हुआ था? मेवात की बात कर रहे हैं, सरकार थी ना उसमें, हरियाणा में मेवात में हुआ है ना, किसकी ओर से हुआ? सरकार तो BJP की थी ना उसमें, और बचाने में तो लगे थे वो, बचाने में तो लगे थे ना। कौन बचाने में लगे? सरकार BJP बचा रही थी। किसको बचा रही थी? मोनू मानेश्वर को, बिट्टू बजरंग को। अगर गुनाह किया होगा तो फंसेंगे, तो गुनाह थे ना वो? क्यों नहीं गुनाह थे? क्या किया था? क्यों नहीं थे? उसमें लड़ाई हुआ, उसमें दंगा हुआ है? नहीं हुआ। क्या हुआ? दंगा हुआ था ना, करने वाले कौन थे? हैं? अब ये वो होगा, किसने किया था भाई, नाम बताओ। बिट्टू बजरंग दल ने। और नहीं किया होगा तो माफी मांगोगे? हाथ जोड़ के माफी मांगोगे? आप न्यूट्रल मांगोगे? आप न्यूट्रल ना, मुसलमानों की वजह से दंगा हुआ था शुरुआत में। शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत किसने करी? मतलब का मुद्दा मत उठाओ। तो मुद्दा पहले तो लग रहा है ध्रुव राठी की, ध्रुव राठी की नई वीडियो आ गई होगी, ये देख के फिर चले आए होंगे। ये वही लोग हैं ध्रुव राठी के, ये कौन है पता है? स्टूडेंट है ये, व्हाट्सएप छाप वाले। ये कभी अपने बारे में, अपने क्या कहते हैं, विकास के बारे में नहीं देखेंगे। बात करके जाइए, भागिए मत। भागा मत। आप एक बात बताइए, आप जिस मेवात की बात कर रहे हैं, यहाँ से अधिकतर लोग पिछली साल जो हिंसा हुई थी, यहाँ से अधिकतर लोग उस हिंसा में थे, हम लोग वहाँ फंसे थे। पत्थर किसकी ओर से फेंके गए थे? गोलियाँ किसकी वजह से चली थी? मैं बताऊँ मुसलमान की ओर से चली थी। एक चीज मैं इनको बताता हूँ, जहाँ पे भी मुसलमान मेजोरिटी में है वहाँ पे इन लोग हिंदुओं को मार के भगाने का काम करते हैं। एक सवाल आपसे ये भी है, अगर मुसलमानों की कोई गलती नहीं थी पिछली साल, तो इस साल वही यात्रा 800 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में क्यों निकली? किसके भाई? वो पिछली साल यात्रा, जिस यात्रा पे, ये मुद्दा नहीं पता आपको, मुसलमान की गलती नहीं है ये आप कहना चाहती हैं? किसके? मेवात में दोनों की थी ना उसमें, दोनों की गलती, दोनों की थी। दोनों की थी? कौन सी बात कर रहे हो? यात्रा में जाते दंगा करने जा रहे थे, बोल रहे एक तरफा। जिस मेवात की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मुसलमानों ने पहले कावड़ियों पे हमला किया, कावड़ियों को पीटा गया, उसके बाद जो मन्नू के ये नाम ले रहे हैं उन लोगों ने जाके तब कावड़ियों को भगाया, तब तो वहाँ पे कावड़िया सुरक्षित बच सके, नहीं तो कितने लोगों की लाशें गिर जाती वहाँ पे, इनको क्या पता है? अरे ये जो बोला था औरत था, इसके गले में देखा तुमने क्या था? दुपट्टा था, ये औरत था। ये ध्रुव राठी के चमचे होते हैं जो बकवास करने आते हैं, 2-4 वीडियो देख लेते हैं, कभी उसके बारे में। एक ध्रुव राठी की देख लीजिए। ध्रुव राठी ने अभी तक ऐसा मेवात के ऊपर कोई बयान नहीं, वो मेवात के ऊपर नहीं बोलेगा, बाकी चीजों को लेके चले आ जा, एजुकेशन के बारे में। मेरा यही सवाल इनसे था, मैं आपसे भी यही बात करना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि वहाँ पे मुसलमानों ने गलती नहीं करी थी, पहल जो है मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की तरफ से हुई थी। मेरा सवाल यही है अगर पहल इनकी तरफ से हुई थी, तो फिर वही यात्रा जो पिछली साल हुई, वही यात्रा इस साल 800
पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में क्यों निकालेंगे? यही तो बड़ी बात है ना, अगर वो कोई दंगा नहीं करते हैं तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यात्रा में लोग जा रहे हैं वो दंगा करने थोड़ी जा रहे हैं, है ना। यही बात देखिए, अमरनाथ की यात्रा जब होती है ना उसमें 80,000 सैनिक को खड़ा किया जाता है, तब होता है वहाँ पे। मैं मुझे लगता कम बता रहा हूँ, तो मतलब इतना ज्यादा भाईचारा है तो 80,000 पुलिसकर्मी का क्या जरूरत है आर्मी वालों की? अमरनाथ की यात्रा पे सुरक्षा लगाई जाती है, वैष्णो देवी की यात्रा पे सुरक्षा लगाई जाती है, केदारनाथ तक की यात्रा पे सुरक्षा लगाई जाती है, और आज मेवात जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे यात्रा निकालने के लिए। वो चीज पे तो मैम पहले भी आपके चैनल पे मैं बोल चुका हूँ कि हिंदुओं के धर्म स्थल पे हमेशा सुरक्षा क्यों लगाई जाती है? एक मदरसे एक मस्जिद पे आप बता दीजिए जहाँ पुलिस खड़े होकर चेकअप भी करता हो, चेकअप करता हो नॉर्मल, आप बता दीजिए कहीं पुलिसकर्मी खड़ा होकर चेकअप करता हो? नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे पत्थरबाजी ये करते हैं, इनको पता है पुलिस वालों को भी अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे मंदिरों की, हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये अल्लाह अकबर बोल के बहन जो कहीं भी ले जाके बैग लगा के फट जाएंगे। अरे कोई भरोसा नहीं है इनका। दोगले, कुछ लोग ऐसे दोगले हैं ना जो खड़े होकर पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हिंदू जो है हिंसक है, हिंसक है। अगर हिंसक होता ना, सुनिए, अगर हिंदू हिंसक होता ना तो जितने ये राम मंदिर जो बनाया गया है कोर्ट से लड़के लिया है ना, जरूरत नहीं होती बाबरी मस्जिद के पास में खड़े होते, एक हाथ बाबरी मस्जिद। आप लोग लोकतंत्र बाद सुनिए, उसके बाद हम क्या करते अपना वो बनवा लेते। आप लोग लोकतंत्र हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते? मानेंगे, बिल्कुल माने। हमारे लिए इस तरीके से कह रहे हैं बाबरी मस्जिद को एक हाथ मारते और दूसरी तरफ राम मंदिर बना देते। आप शिवसेना बाला साहब ठाकरे की उस जो दंगा वहाँ पे हुआ था, वो जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उसका समर्थन कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे भाई? एक बात बताइए मुझे, क्यों नहीं करेंगे? हमारा मंदिर था, हम हिंसक होते ना तो फिर उसका दंगा करने की जरूरत नहीं होती, तोड़ने की जरूरत नहीं होती। सुनिए, जब बाबर ने तोड़ के वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई थी उसका समर्थन कर रही हैं? अब बताइए ना, बताइए। हम तो कोर्ट से लड़के लिए ना, तो जो हमारे युवा नेता उन्होंने क्या बोला कि भैया हिंदू हिंसक होता है, होता ना तब तक हमें जरूरत नहीं पड़ती मंदिर बनवाने के लिए। ये जो ज्ञान भाभी का जो है मुद्दा चल रहा है और मथुरा का चल रहा है, जरूरत पड़ती हम आराम से तुरंत बनवा लेते अगर हिंसक होते तो, हिंसक नहीं है इसलिए कोर्ट से लड़ रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए, कोर्ट में खड़े होके वहाँ पर सुनिए, आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे, आइए आइए ना, आपको हिंसक बताया जाएगा हिंसक क्या होता है। आइए नहीं बात सुन लो ना, हिंसक है या नहीं है, बट डिबेट सुन लो यहाँ पे, हिंसक है या नहीं है। हमारी बात बेसिकली राहुल गांधी और अखिलेश यादव पे हो रही थी, हमारे बीच एक भाई है। राहुल गांधी अखिलेश यादव पे बात मत कीजिए, बात ये कीजिए कि भारत में प्रधानमंत्री बनने का मिनट यार की बात करेंगे, आप लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हो उसको बेचारे को? आओ बोलो बोलो बोलो, नाराज हो गए, ये नाराज हो गए, ये चौथी क्लास मैं कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी की जितनी स्टूडेंट है ऐसी है। मेरी बात सुनिए, हमारे अदालत में खड़े होकर गीता पे रख के कसम खिलाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, उसका समर्थन हर कोई करता है। देखिए बात बताइए, हमारे ही देश में हमारे स्कूल में गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? मैं सवाल कर रहा हूँ प्रशासन से भी, क्यों नहीं पढ़ाती भाई? उसमें क्यों रोक लगा है? ऐड कीजिए ना, ये बाबरों के बारे में ये अकबर के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या जरूरत है भाई? जरूरत ही नहीं है। यात्रा जो होती है देखो हमारी मालूम नहीं है, हमारे वहाँ गीता पढ़ाई जाती है सब जगह पे, संस्कृत का श्लोक है। आप कितने अध्याय भाई साहब? सुनिए कितने अध्याय है गीता में? गीता में कितने अध्याय? आप बताइए, मुझे तो नहीं पढ़ा तो फिर पता नहीं, तो 18 अध्याय 700 श्लोक है आप बताइए, आप देखिए मेरी बात, किसने कितने श्लोक बोले थे? मेरा आपसे सवाल ये है सर, आप बेसिकली है कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से जी, वहाँ पढ़ाई जाती है, मैं अग्री करती हूँ। हाँ यहाँ पे पढ़ाई जाती है, दिल्ली में कहीं पढ़ाई जाती है या फिर नहीं पढ़ाई जाती? ये पूछा सीबीएसई में कितने अध्याय होते हैं? 18 अध्याय 700 श्लोक होते हैं। श्री कृष्ण ने कितने वो श्लोक बोले थे आप बता दो? अरे भाई साहब 21,000 श्लोक है, आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, और 21,574 बोल रहे हैं, 574 बोल रहे हैं। सबसे पहले बात बताइए, बोला संजय ने बोला था, देखिए भाई साहब वेद है, वेद के आपको है ना भाई साहब? अब मेरी बात सुनिए, हम लोग देखिए, हम लोग गुजरात से हर एक जगह पे पूरे भारत में 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में सीबीएसई में भी संस्कृत पढ़ाया जाता है। आप संस्कृत का श्लोक नहीं, लेकिन भाई साहब बहन जी संस्कृत के अंदर श्लोक पढ़ाए जाते हैं, आप हर एक बच्चे को। एक मिनट मेरा सवाल ये है सर, जिस भारत में गीता की कसमें खाई जाती है, जिस भारत में श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया हो, गीता का सार बताया हो, उस भारत में मुगलों जो आतंकवादी आए थे जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, गुजरात में भी कई मंदिर तोड़े गए, बिल्कुल मुगलों ने तोड़े, बिल्कुल उन मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने ही शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया।
समझ रहा हूँ। नहीं देखिए, हमारे यहाँ पे तो, हमारे यहाँ पे गुजरात में तो सालों से, जब से कांग्रेस की सरकार थी तब से गीता का पाठ और संस्कृत के श्लोक हम तो पढ़ते ही है, पूरे इंडिया में भी पढ़ना चाहिए, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं है। सवाल मेरा ये तो पढ़ा क्यों नहीं फिर, और पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, के बारे में पढ़ाते हैं चंगेज खान के बारे में क्यों पढ़ेंगे भैया, हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाओ, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाओ, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाओ। एक मिनट, संस्कृत पढ़ाए जाते हैं गुजरात में, संस्कृत पढ़ाए जाते हैं, आप मुझे बता दो फादर ऑफ संस्कृत कौन है, बताओ तो जरा। भाई साहब मेरी बात सुनिए, आपने अभी बोला, आपने अभी बोला बात करते हो,